तुम्हारे पास प्लान था, तुमने कहा था कि तुम ये मामला हैंडल कर लोगी। वो प्लान नाकाम हो गया मेरा। ठीक है, और वो प्लान क्या था? एलुल, दमीर, मैंने सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। मुझे लगा जितना जल्दी ये मसला हल हो जाए उतना ही बेहतर है, मगर नतीजा मेरी सोच के बरक्स निकला। समझ नहीं रहा कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। वो प्लान मेरा था। हरगिज़ नहीं था। एलुल, मुझ पर छोड़ दो। कोई मुझे बताएगा या नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अलारा को कॉल मैंने की थी। क्या कहा? हाँ, कॉल मैंने की थी, क्योंकि कंपनसेशन से बचने के लिए सिर्फ वही हमारी मदद कर सकती थी। उम्मीद थी कि वो मुझे फेवर दे देगी। कंपनसेशन से बचने का सिर्फ यही हल था मेरे पास। मुझे लगता था कि अलारा इल्द्रिम साहब को मना लेगी और इस तरह कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। और तुमने सोचा कि अलारा ये सब करने के लिए राजी हो जाएगी, और वो भी बदले में ना कुछ मिले बगैर। गलत था मैं। सही कहा। तो फिर एलुल, तुम्हारा इस प्लान में क्या हिस्सा है? मैं एलुल बाबा से बात करने वाली थी, ताकि वो यिल्दिरिम को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर करें, क्योंकि बाबा मेरी बात कभी भी नहीं मानते। और इसीलिए बस मैंने एलुल से कहा कि वो बाबा से बात करे, ताकि वो उसे इंकार ना कर सके। ठीक है, ये नहीं जानती थी, लेकिन तुम तो जानते थे। अलारा की कमजोरी तुम थे, और सोच के देखो कि क्या वो तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचाने का सोच सकती थी। मगर ये सब हो क्या रहा है? अब कोई बताएगा कि क्या करना चाहिए हमें? कोई अंदाजा भी है कि कंपनी बैंक्रप्ट होने वाली है? कंपनसेशन के हवाले से कुछ आइडियाज मेरे जहन में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो काफी होंगे। क्या कोई मुझे बताएगा कि हम एक माकूल तरीके से बोर्ड से दरख्वास्त क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रेस को खबर हो जाएगी। यिल्द्रिम साहब अपनी बेटी का नाम तुम्हारे साथ प्रेस में उछाल सकते हैं, जिससे आर्टेमियम का नाम मजीद बर्बाद हो सकता है, और उसके साथ साथ तुम्हारा भी नाम आएगा। अलारा ने कह दिया है कि वो यिल्द्रिम साहब की तरफ है, वो कुछ नहीं करेगी इस बारे में।